गुड मॉर्निंग टू ऑल नहीं नहीं ये बेकार है बढ़िया है, कुछ अच्छा हो जाए तो क्या जा बोलो क्या बोलो तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल गुड मॉर्निंग ठीक है हाँ सही है वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल तो कैसे हैं आप बढ़िया लेकर आया हूँ आपके लिए एक बढ़िया वीडियोस दैट इज इज कॉल्ड गिस 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 मोल बढ़ियाप्ट ओके फॉर यू मोल कॉन्सेप्ट हर को परेशान करता है कि मोल होता क्या है एक्चुअली मोल का जो फंडामेंटल है ना बड़ा यूनिक है क्या है मोल एम ओ ई -E मोल मोल में तो अच्छा सुंदर होता है आया बट तो वो वाला नहीं है हम लोग का केमिस्ट्री वाला मोल यहाँ पढ़ना है केमिस्ट्री मोल क्या होता है उसको जानेंगे ठीक है तो ये जनरली जो मैं मोल यूज कर रहा हूँ वो एकदम बेसिक है बड़ा यूनिक है और हर एक बच्चे के मन में रहता है कि आखिर मोल होता क्या है क्यों होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वन मोल इज इक्वल टू लिखा जाता है वन इज इक्वल टू लिखा जाता है जनरली क्या लिखते हैं इसको सिंबल्स होते हैं एनी अब उदरों का पहला लेटर है और इसका कॉन्स्टेंट वैल्यू है सर सिक्स पॉइंट जीरो टू टू भी लिखते हैं कुछ किताबें थ्री भी लिखते हैं तो डोंट वरी आप लिख सकते हैं और यहाँ एटम्स होता है स्लैश मॉलिक्यूल्स होता है स्लैस आयंस uh, होता है स्लैश इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों होता है वो तो चीज ध्यान रखना है कि प्रोटॉन्स में यहाँ हम लिख देते हैं आपको माइनस इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव की वैल्यू है एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होता है ध्यान में रखिएगा तो वो आप समझ जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन माइनस कहा रहा है एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू प्लस का रहा है तो प्रोटॉन में लिखेंगे तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है अब दूसरी वाला दूसरा पॉइंट ऑफ तो व्यू यहाँ यही आ जाता है कि सर हर एक बच्चों को लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मॉलिक्यूल और एटम्स का संख्या जो है एकदम सेम है और ऐसे कैसे पॉसिबिलिटीज हैं कि दोनों हर चीज़ों में सेम हो जाए तो वो हर बच्चे जिन्हें मोल नहीं आता है वो भी पार्टिकुलरली सीख सकते हैं यहाँ समझ सकते हैं तो सर एक चीज़ याद रखना कि मोल आज आपको एकदम समझ के जाना है यहाँ से अच्छी तरीके से मोल समझ के जाना मैं समझाऊंगा राइट तो मोल कहने का मतलब है कि मोल सबसे पहले होता क्या तो दिस इज द एश आई यूनिट है मोल किसका है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यानी पदार्थ की मात्रा का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो है आई यूनिट क्या है मोल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा मोल हो जाएगा ये पहला आपका कॉन्सेप्ट है इसका मतलब ये भी एक तरह का एस आई यूनिट ही है मोल यानी ये बताता है कि पदार्थ कितनी मात्रा में हम ले रहे हैं वो मोल हमें बताता है राइट right? दूसरी बात अब मोल के बारे में कैसे सबसे पहले अब खोजा क्योंकि हम लोग ऐसे बोलते अबो गादरों ने, गादरो तो गादरो ने दिया गादरो, गादरो, गादरो ठीक है इन्होंने सबसे पहले साइंटिस्ट ने दिया अबो गादर और मोल अब आप मोल के बारे में सीखिएगा और आज मोल से रिलेटेड जो भी डॉट है सब आपके क्लियर हो जाएंगे कैसे आइए तो देखते हैं तो ये चीज रहा आपकी मोल के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें जिसको हम लोग समझेंगे है ना जान चुके हैं अब हम सीखेंगे कि मोल में कैसे डिफाइन किया जाता है अब मोल बराबर फॉर्मूला क्या होता है मोल इज इक्वल टू होता है गिवन गिवन मास जो भी आपका मास है वो ग्राम में दिया हुआ रहेगा गिवन मास अब बटा हो जाएगा या तो एटॉमिक मास एटॉमिक मास ठीक है और या तो आपको हो जाएगा मोलिकुलर इसको मोलर मास भी बोलते हैं दोनों को मोलिक्यूलर मास हो सकता है इसका मतलब कि अगर आपको मोल्स में डिफाइन करना है तो आप मोलिकुलर मास से भी डिवाइड कर सकते हैं और एटॉमिक मास से डिफाइड कर, कर सकते हैं फर्क ये पड़ता है कि आप जिस मोल को ला रहे हैं वो किस चीज में ला रहे हैं इसका मतलब कि अगर आप किसी को जनरली uh, एटम्स में डिफाइन एटॉमिक मोल्स में लाना चाहते हैं तो से डिवाइड कीजिएगा और मोलिकुलर मास में लाना चाहते हैं तो मोलिकुल से डिवाइड कीजिएगा फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं मान लेता हूँ ऑक्सीजन के बारे में ठीक है मैं चर्चा करता हूँ ऑक्सीजन अब ऑक्सीजन एग्जाम्पल ले रहा हूँ ठीक है हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं ऑक्सीजन ठीक है ऑक्सीजन में क्या कहानी है कि हम जनरली हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है एटॉमिक मास इसको मालूम रहेगा बंदा वो समझ जाएगा कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 ग्राम होता है ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना होता है एटॉमिक मास एटम का मास होता है एटॉमिक मास कितना होता है 16 ग्राम होता है तो ये तो आपको जानकारी में है पड़ चुके हैं और मॉलिकुलर मास कितना होता है एटम्स का मॉलिक्यूल होता है ओ टू होता है और एटम जो होता है आपको सिर्फ ओ होता है तो ये बत्तीस ग्राम हो जाएगा ना क्योंकि दो गो एटम्स है ठीक है अब हमको मोल्स निकालना है ऑक्सीजन के और अमाउंट ऑफ सबस्टल है इफ आप, आप, आप मार्केट गए हो और मार्केट से आप चूंकि 64 ग्राम आप या तो आ, 80 ग्राम आप लाए हो क्या ऑक्सीजन 80 ग्राम ऑक्सीजन लाए हो ध्यान देना हम यहां ना तो मॉलिक्यूल का जिक्र कर रहे हैं ना ही एटम्स का जिक्र कर रहे हैं सिर्फ ऑक्सीजन गैस के रूप में है गैस के रूप में आया अब मुझे नहीं मालूम कि ये किस रूप में है अब मुझे इसे बदलना है जो कि मोल्स में बदलना है कैसे मोल्स में बदल सकते हैं इसे ईजिली रूप से ठीक है तो आप इस फॉर्मूला पर रख दो तो इस फॉर्मूला पर रखोगे तो मोल्स इक्वल टू क्या होगा तो गिवन मास कितना है अस्सी ग्राम है और नीचे कितना है हम देंगे एटॉमिक मास से डिवाइड तो 16 ग्राम 16 ग्राम पर मोल होता है कितना होता है पर मोल होता है एक मोल में 16 ग्राम होता है उसका पर मोल हो जाएगा 16 पच्चीस कितना हो जाएगा पांच इसका मतलब आंसर कितना आया पांच मोल आया आया कि नहीं आया अब पांच मोल क्या 5 आया पांच मोल ऑक्सीजन क्या आया ऑक्सीजन क्या आया एटम आया बोलने का और इसी चीज को डिफाइन अगर डिवाइड करेंगे अगर हम 80 ग्राम को 32 से तो कितना हो जाएगा 40 16 20 8 10 4 5 2 इसका मतलब इसका पांच बटे दो मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा मोलिक्यूल हो जाएगा मतलब ये मोलिक्यूल में आया और एक आया आपको एटम्स में आया तो ये आप देख सकते हैं पांच मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं और फाइव बाई टू मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल है क्लियर हो गया